दोस्तों, हमारे प्यारे देश भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनका हमेशा से एक ही सपना होता है कि वे कम से कम एक बार विदेश की यात्रा पर जरूर जाएं। लेकिन इन सबसे पहले हम वहां जाने के खर्चे के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन चलिए आज हम आपकी ये परेशानी भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उन सबसे सस्ते देशों के बारे में बताने वाले हैं जो भारत से काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। मतलब कि यहाँ की करेंसी रेट इतनी कम है कि वहाँ जाकर आप खुद को करोड़पति जैसा फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, श्रीलंका। साउथ एशिया में बसा यह देश भारत की सीमा से महज 31 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शायद आपको पता ना हो, 1972 तक श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता था। फिर कुछ सालों के बाद 1978 में इसका नाम बदलकर श्रीलंका रख दिया गया। दोस्तों, श्रीलंका में चलने वाली करेंसी को श्रीलंकन रुपये कहा जाता है और इस देश में हमारे एक रुपये की कीमत 4 श्रीलंकन रुपये हो जाती है, यानी कि वहाँ पर भारत का एक रुपया 4 गुना हो जाता है। नंबर 9, हंगरी। दोस्तों, हंगरी यूरोप में बसा एक लैंडलॉक कंट्री है। वहाँ की वास्तुकला और संस्कृति बेहद ही लोकप्रिय है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट दुनिया के सबसे रोमांटिक जगहों में से एक मानी जाती है। आपको बता दें कि इस देश में चलने वाली मुद्रा को हंगेरियन फोरिट कहा जाता है और इस देश में भारत के एक रुपये की कीमत 4.5 गुना हो जाती है। नंबर 8, कोस्टा रिका। लगभग 51,104 वर्ग किलोमीटर में फैला यह छोटा सा देश सेंट्रल अमेरिका में बसा हुआ है। ये दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसकी अपनी कोई सेना नहीं है। यह मध्य अमेरिका का सबसे स्वच्छ देश माना जाता है। यहाँ रहने के लिए ज़्यादातर अमेरिकी लोग आते हैं और यहाँ आकर आप बेहतर जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ चलने वाली करेंसी को कोस्टा रिका कोलोन कहा जाता है और यहाँ भारत का एक रुपया आकर 8.5 गुना हो जाता है। नंबर 7, मंगोलिया। दोस्तों, यह देश पूर्व मध्य एशिया में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है। इस देश की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां की आबादी सबसे कम है। लेकिन आपको शायद ये पता ना हो कि गोभी मरुस्थल दुनिया का 5वां और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। साथ ही यह देश प्राकृतिक चमत्कारों से भरा पड़ा है। आपको बता दें, इस देश में मंगोलियन तुगरिक चलता है और यहाँ भारत का एक रुपया 31 मंगोलियन तुगरिक के बराबर होता है। नंबर 6, युगांडा। दोस्तों, युगांडा में जो मुद्रा चलती है उसे युगांडियन सीलिंग कहा जाता है। ये देश पूर्वी अफ्रीका में बसा एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी ये देश चारों ओर से जमीनी सीमा से घिरा हुआ है। इस देश में भारत के एक रुपये की कीमत 47 सीलिंग के बराबर होती है। नंबर 5, कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया में बसा एक देश है जिसे पहले कभी कंबोडिया के नाम से जाना जाता था। साथ ही कंबोडिया अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर, जो कि एक हिंदू मंदिर है, वो कंबोडिया में ही मौजूद है। दोस्तों, कंबोडिया में हमारे एक भारतीय रुपये की कीमत 54 रियाल के बराबर होती है। नंबर 4, पैराग्वे। दोस्तों, साउथ अमेरिका में स्थित यह देश बेहद खूबसूरत है। ये दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जिसकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती, यानी एक लैंडलॉक कंट्री है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पैराग्वे में एक भारतीय रुपए की कीमत 91 पैराग्वेगन गुआरानी के बराबर है, यानी इस देश में भारत का एक रुपया 91 गुना ज्यादा हो जाता है। नंबर 3, लाओस। दोस्तों, लाओस एक ऐसा देश है जिसे हजारों हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो दक्षिण पूर्व एशिया में बसा हुआ है। ये देश अपनी मीकांग नदी और पहाड़ों के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, भारत का एक रुपया वहां जाकर 57 गुना हो जाता है। नंबर 2, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया को द्वीपों का देश भी कहा जाता है। मतलब यहाँ इतने द्वीप हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है और यहाँ भी भारतीय रुपये के जलवे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में एक भारतीय रुपये की कीमत 188 गुना हो जाती है, इसीलिए आपकी इंडोनेशिया की यात्रा सस्ते में निपट सकती है। नंबर 1, वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में बसा एक शांति प्रिय देश है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की संस्कृति सैलानियों को खूब लुभाती है। यहाँ के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को देखने के लिए यहाँ दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ आकर भारत का एक रुपया 300 गुना हो जाता है। मतलब यदि आप यहाँ 1 लाख रुपये लेकर जाते हैं तो वहाँ जाकर इसकी कीमत बन जाती है लगभग 3 करोड़ वियतनामी कुरेशी के बराबर। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे सस्ते देश जहाँ आकर आप छुट्टियाँ मनाते हैं तो आप करोड़पति जैसा फील करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।